हाय दोस्तों, आज हम देखते हैं करंट सिचुएशन के बारे में, टर्की में और सीरिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, तो चलिए आपको मैं शेयर करता हूँ करंट सिचुएशन जो सीरिया की आज है। जो टर्की ऑलरेडी अपने फोर्सेस को, अपनी आर्मी को भेजा दिया है, जो एरिया जो ब्लू कलर में है, ये सारा कुर्दिश एरिया है। कुर्दिश एरिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दी सीरिया लैंड्स है भाई लोग। ये जो ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर, ये वाला है, ये सीरिया आर्मी के कंट्रोल में आता है। ये जो लाइट ग्रीन कलर में है, राइट साइड में आपको मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट। सो ये वाला सारा कुर्दिश पीपल के अंडर में आता है। तो ऑलरेडी टर्की के पास 10 लाख से भी ज़्यादा जो रिफ्यूजीज अपने शरणार्थी बन के रह रहे हैं दोस्तों। जो सीरिया वार में जो भी ये परेशान थे, जो भी अपने लोगों को खोया है, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप को, तो वो सारे लोग रिफ्यूजी बन के यहाँ पे रह रहे हैं अपने लैंड पे, टर्की के लैंड पे, रिफ्यूजी कैंप में। तो एक्चुअली टर्की भी सफ़र हो रहा है सीरिया वार से। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, ये जो कुर्दिश लैंड है, ये कुर्दिश पीपल है टर्की के अगेंस्ट है, वो सारे ना रेबल्स बन के टर्की से हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इसीलिए टर्की अपने फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया है, जो लाइनिंग जो मैं बता रहा हूँ बॉक्सेस में, जो जो लाइनिंग जो मैं बॉक्सेस में बता रहा हूँ, जो लाइंस के साथ है, जो कुर्दिश लैंड के साथ, जो 30+ किलोमीटर्स के दायरे में है, जो लाइंस के साथ है, वो कुर्दिश लैंड जो लाइट ग्रीन कलर में है, जो वो उसके बॉर्डर में है 30+ किलोमीटर्स के, वो सारे लैंड को ना सेफ जोन बनाना चाहता है टर्की। तो ऑलरेडी अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है उसने, और वो सेफ जोन बनने के बाद शायद मुझे लगता है कि जो भी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं 10 लाख पीपल टर्की के पास शरणार्थी बन के, बच्चे लोग, बड़े लोग, बूढ़े, माँ बाप, सब लोग, उन सारे लोगों को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता है इस सेफ जोन बनाने के बाद। जो कुर्दिश एरिया के अंडर में जो भी आता है बॉर्डर के साथ 32 किलोमीटर्स के जो लाइनिंग में है, ग्रीन कलर के लाइन्स में, वो सारे एरिया में सेफ जोन बनाने के बाद टर्की जो भी रिफ्यूजीज रह रहे हैं वहाँ पे टर्की में, उन सारे लोगों को ये सेफ जोन में लाना चाहता है। तो इसीलिए ये वार करना चाहता है। ऑलरेडी वार स्टार्ट हो गया है। कल 2 लोग सिविलियंस की मौत हो गई है रिसेंट अटैक्स में। जो जो भी कुर्दिश आर्मी के हैं, कुर्दिश लोग हो सकते हैं वो या सीरिया लोग हो सकते हैं, टर्की के वार में ना दो सिटीजन्स की मौत हो गई है। तो और एक बात बताता हूँ, ये जो ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर में, यहाँ पे टर्की आर्मी का कंट्रोल नहीं है दोस्तों। ये ऑलरेडी सीरिया आर्मी के अंडर आता है, इस पे सब सीरिया का कंट्रोल है। जो बाकी का जो ऑरेंज कलर में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे, लाइट ऑरेंज कलर में और डार्क ऑरेंज कलर में, जो लाइट ऑरेंज में है वो सीरियन रेबल्स के अंडर में आता है, जो डार्क ऑरेंज में है वो जिहादिश फोर्सेस के अंडर में आता है। जो ये टर्की को लगकर है ये वाला प्लेस IDIB जो है ना, वो वाला, तो उस पे टर्की का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे सीरियन रेबल्स और जिहादिश फोर्सेस का कंट्रोल है। और जो ग्रीन ग्रीन कलर में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पे कुर्दिश पीपल का कंट्रोल है। तो वो कुर्दिश पीपल के जोन में जो 32 किलोमीटर्स का जो दायरा है बॉर्डर के साथ, उस बॉर्डर को टर्की सेफ जोन बनाना चाहता है, ताकि तब जाके अपने जो मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से भी ज़्यादा जो रिफ्यूजीज टर्की के कैंप्स में रह रहे हैं, उनको यहाँ पे लाके बसाना चाहता है। नहीं तो वो लोग रिफ्यूजी बन के कहाँ जाएंगे, अपने देश में अब उनको जगह नहीं मिलेगी। तो उसी लिए टर्की सेफ जोन बनाना चाहता है। ऑलरेडी वो कुर्दिश पीपल उनको परेशान करके रखा हुआ है टर्की आर्मी को, तो उसी लिए ये बार टर्की ने ना अपने फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है सीरिया में। जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्वायर में और ट्रायंगल में,
ये सारे रिफ्यूजी कैंप्स है दोस्तों, जो ट्रायंगल शेप में है वो आईसिस सस्पेक्टेड फैमिलीज के, जो सफर पीपल है ना, जो भी परेशान है आईसिस के फैमिलीज के रिफ्यूजीज से, ये जो ट्रायंगल के एरिया में बता रहा हूँ वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग। जो बाकी का जो स्क्वायर शेप में है ना, वो स्क्वायर शेप में कैंप्स है, जो डिस्प्लेस्ड पीपल रहते हैं ना, जो वार में जो भी सफर होते हैं वो लोग ये स्क्वायर शेप में जो बनाया हुआ है लोकेशन वहाँ पे रह रहे हैं। बाकी का जो लाइनिंग में है, जो लाइंस के साथ ड्रा किया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे कुर्दिश लैंड पे, ग्रीन कलर लाइट ग्रीन के साथ वो जो लाइन बॉर्डर के साथ है, वो एरिया में टर्की अपने आर्मी को डिप्लाई कर दिया है। ऑलरेडी दो दो लोग शहीद हो चुके हैं, दो सिविलियंस कल के रिसेंट अटैक्स में, जो कुर्दिश आर्मी के से कुर्दिश फोर्सेस, जो कुर्दिश रेबल्स हैं वहाँ के, तो उनकी और ये टर्की आर्मी को नहीं बन रही है दोस्तों। तो इसीलिए टर्की ये सेफ जोन बनाना चाहता है ताकि फ्यूचर में जाके कोई भी अटैक ना हो सको, ना हो सके टर्की लैंड्स पे। तो उतना ही दोस्तों, होप करते हैं सब कुछ ठीक हो, कहीं भी कोई हमला ना हो, सारे आवाम खुश रहे, कोई भी कंट्री वाले इस अटैक्स में ना आए, किसी को ना कुछ हो, यही दुआ करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।